हेलो स्टूडेंट आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की As per the section 2K of Industrial Dispute Act 1947 industrial dispute is defined as any dispute or difference between employers and employers or between employers and workmen or between workmen and workmen which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or with the condition of labour of any person. इट मीन्स कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में हम क्या चीज़ें जानते हैं तो सबसे पहले हम उन डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो कि इंप्लॉयर्स और इम्प्लॉय की एम्प्लॉयर्स के बीच में हो सकते हैं या एम्प्लॉयर्स या वर्कमैन में या बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन में भी यानी काम करने वालों के बीच में भी कोई डिस्प्यूट हो जाए या फिर कोई ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड हो या ना कनेक्टेड हो उन सभी के बारे में जो कि लेबर से रिलेटेड होंगे उन सभी कंडीशन को देखते हुए उनसे रिलेटेड सारे डिस्प्यूट को सोल्व सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 बना है जो कि डिफाइन है एज पर द सेक्शन टू के अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है प्रमोशन ऑफ मेजर्स फॉर सिक्योरिंग एंड प्रिजर्विंग एमिटी एंड गुड रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन यानी कि सबसे पहले इस बात को ये ध्यान देता है कि एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में एक अच्छी रिलेशन बनी रहे प्रिजर्विंग एमिटी का मीन्स होता है कोई तो डिस्प्यूट अराइज हो रहा हो तो उसे किस तरह से उससे निपटा जाएगा या कैसे उससे बचा जा सकता है इन सब बातों को इसमें बताया जाता है यानी कि ये एक्ट इसको सॉल्व करने के लिए शॉर्ट आउट करने के लिए ही बना है उसके बाद बात करते हैं उसके बाद बात करते हैं इसके सेकंड ऑब्जेक्टिव की यानी कि इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी कि सबसे पहले आप इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है किस चीज कैसे अराइज हुई क्या प्रॉब्लम आ रही है किस चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है और उन सब बातों को सुनने के बाद आप क्या करते हैं उसका सेटलमेंट करते हैं जो कि इस का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव uh, uh, है बात करते हैं इसके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट यानी कि ऐसा स्ट्राइक से बचना जो कि इलीगल हो यानी कि सडन कोई किसी नाराजगी की वजह से हो जाए इसके बाद बात करते हैं लॉकआउट की यानी कि बंद कर दिया जाए ऐसे कोई भी डिस्प्यूट अराइज़ हो किसी भी तरीके का वर्कमैन का किसी एम्प्लॉयर का किसी बाहर से भी हो सकता है किसी दूसरे एम्प्लॉयर से भी हो सकता है इस सब डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए ही इससे प्रिवेंशन पाने के लिए ही इसका जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो प्रिवेंशन पाना होता है यानी कि बचना यानी कि उससे किसी तरह बचा जा सके मीन्स कि अगर किसी एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि उसे बेमतलब उस जगह से निकाला जा रहा है तो वो उसके लिए डिस्प्यूट अराइज कर सकता है उसको शॉर्ट आउट कर सकता है अपने एम्प्लॉयर से कि, कि किस वजह से किस रीज़न से आप उसको निकाल रहे हैं यानी बिना बिना सॉलिड रीज़न के आप उसको आ, उस जगह से नहीं हटा सकते हैं उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की यानी कि प्रमोशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग मीन्स अगर आपको अपने एम्प्लॉयर से कोई बात करनी है अपनी सैलरी को लेकर अपनी वेजेस को लेकर या किसी अन आ, ऐसा डिस्प्यूट जो कि आपके आ, आपको लगता है कि इस तरह से करके बोनस को लेकर या फिर अन्य कोई फैसिलिटी के लिए तो आप अपने एम्प्लॉयर से या अन्य किसी से उसके बारे में उसको आप क्या कर सकते हैं कि उससे बात कर सकते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए कह सकते हैं उसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के फीचर्स की यानी कि कौन कौन से इसके फीचर्स हैं तो सबसे पहले बात करते हैं दिस एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ़ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इट मीन्स की पूरे इंडिया में जम्मू और कश्मीर में भी लागू होता है उसके बाद बात करते हैं फीचर की इट इनकरेज आर्बिट्रेशन ओवर द डिस्प्यूट बिटवीन इंप्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ यानी कि इम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज के बीच में आर्बिट्रेशन मीन्स एक मीडिएटर एक, एक की तरह काम करता है और इंक्रेज करता है उसके लिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पीचर की तो नेक्स्ट फीचर है इट प्रोवाइड फॉर सेटिंग अप ऑफ वर्क कमिटीज एस मशीनरी फॉर म्यूचुअल बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज टू प्रमोट कॉर्डियल रिलेशन इट मीन्स ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशन बनाता है इट मीन्स की एक कॉर्डिनेशन एक अच्छा आ, मतलब एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की तो नेक्स्ट फीचर है दिस एक्ट पेव द वे फॉर सेटिंग अप परमानेंट कॉन्सिलियन Machinery at various stages uh, having definite uh, time limit for conciliation and arbitration. इट मीन्स कि वो सेटअप करने का काम करता है परमानेंट कॉन्सिलेशन मशीनरी यानी एक तरीके का सुलह एक तरीके समझौता करने वाला एक परमानेंट सोर्स जिसकी वजह से वेरियस स्टेज हैविंग डेफिनेट टाइम लिमिट क्योंकि हर स्टेज की एक अपनी टाइम लिमिट होती है अगर उस स्टेज में उसको नहीं शॉर्ट आउट किया तो वो आगे चल के लिए आपकी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है और ये एक तरीके का उसी का मीडिएटर का, का काम करता है उसके बाद कर, बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की दिस एक्ट इम्फेसाइज ऑन कंपल्सरी एजुकेशन बिसाइड कौंसिलेशन एंड वॉलेंट्री आर्बिटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इट मीन्स कि ये एक्ट इम्फेसाइज यानी एक फोकस करता है कंपल्सरी एजुडिकेशन मीन्स होता है कि एक सही निर्णय के लिए बिसाइड कॉन्सिलेशन यानी कि किसी तरीके के समझौते के तौर पर और वॉल्ट्री आर्बिट्रेशन मीन्स होता है कि किसी तरह का ऐसी मध्यस्थता यानी ऐसी मीडिएटर का की तरह ना काम करते हुए बल्कि एक कंपलसरी यानी कि एक फाइनली एक अच्छा डिसीजन के तौर पर काम करता है उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं देन द एक्ट इम्पावर द गवर्नमेंट टू मेक रेफरेंस ऑफ द डिस्प्यूट टू एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी दैट इज लेबर कोर्ट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल एंड नेशनल ट्रिब्यूनल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट ईदर ऑन इट्स ओन और द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टीज इट मीन्स कि जैसा जो डिस्प्यूट होगा गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग उसके लिए उन्होंने अथॉरिटी बना रखी है जैसे लेबर कोर्ट है तो लेबर से रिलेटेड है अगर उससे बड़ा मामला है तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में अगर उससे भी बड़ा कोई मामला है तो वो नेशनल ट्रिब्यूनल में जाएगा वो डिपेंड करता है कि वो पार्टी कैस क्या चाहती है और किस तरह का वो केस है उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की देन नेक्स्ट फीचर है द राइट टू स्ट्राइक बाय द वर्कर्स एंड लॉकआउट बाई द एम्प्लॉयज हैज बीन सब्जेक्टेड टू द रिस्ट्रिक्शन एज लेड डाउन इन दिस एक्ट यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शन में रहकर ही किसी लॉकडाउन को या स्ट्राइक को आप कर सकते हैं ये सब बातें भी इसके अंदर लिखी गई हैं उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फीचर द एक्ट प्रोहिबिट स्ट्राइक एंड लॉकआउट ड्यूरिंग द पेंडनिंग ऑफ कॉन्सिलेशन एंड आर्बिटेशन प्रोसीडिंग एंड इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस एंड इट एम्पावर्स गवर्नमेंट टू टेक एडिकेट एक्शन इट मीन्स कि अगर कोई भी लॉकआउट उस दौरान चल रहा है जब कौंसिलेशन और आर्बिट्रेशन का काम चल रहा है ऑलरेडी यानी उसकी प्रोसीडिंग हो रही है देन इस स्ट्राइक और लॉकआउट को के खिलाफ कोई भी एक्शन गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकती है अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे तब तक के लिए हैव अ गुड डे